अगली खबर रायपुर से आपको बता रहे हैं, भाजपा में बैठकों का दौर जारी है। आपको बता दें प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे मोर्चा प्रकोष्ठ की क्लास। आपको बता दें मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय करने पर रहेगा फोकस। विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों पर होगी चर्चा, कुशाभाव ठाकरे कार्यालय में होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक। आपको बता दें प्रकोष्ठ संयोजक और सहसंयोजक के साथ भी होगी बैठक। युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भाजपा पिछड़ा वर्ग समेत 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियां इसमें शामिल होंगे। रायपुर से बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, भाजपा में बैठकों का दौर जारी। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर लेंगे मोर्चा प्रकोष्ठों की क्लास। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नदीम मेमन से बात करेंगे, हमारे सहयोगी हमसे जुड़ गए हैं। जी नदीम, जिस तरह से भाजपा में बैठकों का दौर जारी है और जिस तरह से अब प्रदेश प्रभारी ओम माथुर क्लास लेंगे मोर्चा प्रकोष्ठों की, मोर्चा प्रकोष्ठों को सक्रिय करने पर अब फोकस रहेगा, क्या अधिक जानकारी इस खबर पर? जी नदीम। देखिए, आपको बताना चाहूंगा कि इस वक्त मिशन 2023 की तैयारियां जोरों पर है और देखा जाए तो छत्तीसगढ़ प्रवास पर बीजेपी के जो राष्ट्रीय बीजेपी के प्रदेश प्रभारी है वो पहली बार प्रभारी बनने के बाद आए हैं, तो 4 दिवसीय दौरे पर है, आज उनका 3रा दिन है। लगातार मंथन जो है वो बीजेपी के तमाम लोगों के साथ कर रहे हैं। आज जो है ओम माथुर बीजेपी के मोर्चा और प्रकोष्ठों की जो है वो यहाँ पर क्लास लेने वाले हैं। मोर्चा प्रकोष्ठों में जो निष्क्रियता दिख रही है उसको कहीं ना कहीं सक्रिय करने की कोशिश कवायद यहाँ पर जो है वो चली पर जोर दिया जाएगा। साथ ही प्रकोष्ठों में जो सक्रिय दिखाई दे रहे हैं उनकी सहभागिता यहाँ पर सुनिश्चित जो है वो की जाएगी। इसी के साथ जिन कार्यकारिणी ने मोर्चा और प्रकोष्ठों ने की नियुक्ति हो गई है और अभी तक की कार्यकारिणी नहीं बनाया है, तो उनकी कार्यकारिणी जो है नियुक्त को लेकर भी यहाँ पर चर्चा होने वाली है। आज काफी अहम बैठक है, लगभग 11 से 2 बजे के बीच मोर्चा प्रदेश पदाधिकारी की यहाँ पर बैठक होगी। उसके बाद लगभग 2:30 से 4 बजे के बीच प्रकोष्ठों के संयोजक और सह संयोजकों की यहाँ पर बैठक होगी। लगभग 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ बीजेपी का है, इन तमाम लोगों के साथ आज प्रदेश प्रभारी मंथन करने वाले हैं। मंथन से मिशन 2023 की एक बड़ी रणनीति आज यहाँ पर तय होने वाली है। जी, और जिस तरह से ये जो 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठों के पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे और युवा मोर्चा, किसान मोर्चा, भाजपा पिछड़ा वर्ग समेत, तो किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है वहाँ? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश प्रभारी पहली बार छत्तीसगढ़ में आए हैं तो तमाम कार्यकर्ताओं के बीच, तमाम मोर्चा प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के बीच एक नया उत्साह नजर आ रहा है तो कहीं ना कहीं उसको बनाने की कोशिश यहाँ की जाएगी। तमाम रणनीतियां यहाँ पर आज जो है बनने वाली है। काफी अहम ये जो मैराथन बैठक है, लोगों में उत्साह के साथ एक नया जोश जो है वो दिख रहा है, क्योंकि सामने भानु प्रतापपुर उप विधानसभा चुनाव है उसकी रणनीति और आने वाला समय मिशन 23 जो है वो बीजेपी के लिए काफी अहम है, क्योंकि 15 साल सत्ता में रही और इस बार कांग्रेस की सरकार आई है, तो किस तरह से नई रणनीति बना करके वापस सत्ता को हासिल करना है। बस्तर जैसे क्षेत्र में जहाँ जिस सत्ता की चाबी माना जाता है, तो वहाँ किस तरह से सफलता हासिल करना है, वहाँ पर वापस मजबूती की पकड़ बनाना है, तो इसकी अहम रणनीति के साथ कार्यकर्ताओं में जोश भी भरने का काम ओम माथुर आज करेंगे। जी नदीम, आपका शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए हमारे साथ। आपको बता दें विधि प्रकोष्ठ के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी और आपके साथ में बता रहे हैं बड़ी खबर, कुशाभाव ठाकरे कार्यालय में होगी प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक।